केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भी लाभ पहुंच रहा है। किन्नौर जिले में भी योजना के तहत पात्र गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी परिवारों के प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा का लाभ मिल रहा है। ये सुविधा मिलने से लाभार्थी खुश हैं और योजना शुरू करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। तो रिकांगपियो क्षेत्रीय हॉस्पिटल में लाया गया मुझे, और जो सुविधाएं मुझे अच्छी दी गई है सरकार के अनुसार, पिता जी सरकार के अनुसार जो भी सुविधाएं अच्छी है यहाँ पे। और मुझे अंतिम स्टेज में बीमार हुई थी मैं, अपेंडिक्स की शिकार हुई थी। काफ़ी सालों से मुझे प्रॉब्लम था, मतलब अपेंडिक्स का पता नहीं लगा। धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे अंतिम स्टेज में बचाया गया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरा फ्री इलाज चल रहा है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। जो आयुष्मान कार्ड बना है उसके तहत मेरे परिवार का इलाज हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर हर एक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से इलाज हो रहा है। मैं इस कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इस कार्ड के तहत मेरा इलाज पूरा फ्री चल रहा है जी, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किन्नौर जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत 13,538 लोग पंजीकृत हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी कार्ड धारकों से इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है। ये जो आयुष्मान भारत के तहत जिला किन्नौर में टोटल 6,000 के लगभग फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं। ये आयुष्मान भारत के अंदर में 2021 में टोटल 292 लोगों को बेनिफिट मिला था। इसमें 21,90,000 रुपये खर्च हुए थे, और अभी तक 2022-23 का जो वर्ष है उसमें 2,029 लोगों को अभी तक बेनिफिट मिला है, जिसमें 70,70,500 रुपये अभी तक खर्चा किया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत में फैमिलीज़ को 5 लाख रुपये तक का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है। पड़े हैं तो वो, क्योंकि ये कैशलेस आपका ट्रीटमेंट है, तो इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। थैंक यू। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से दूरदराज इलाकों में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना भी लाभार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रिकांगपियो से सीताराम नेगी की रिपोर्ट।